हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज आपके साथ सूजी के बिल्कुल नए नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं रेसिपी। सबसे पहले गैस पर रखी है मैंने कढ़ाई और फ्लेम को मैंने अभी लो रखा हुआ है और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तो और तेल यहाँ पर गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच साबुत जीरा। इसके साथ ही 1/2 चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सरसों, तो ये काली सरसों है, ये डाल देते हैं। ये अच्छे से भुन गई है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तो मेरे पास यहाँ पर ये सफ़ेद तिल है लेकिन ये रोस्टेड वाली है, आप चाहें तो प्लेन भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये रोस्टेड वाली थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तिल डाल दिया मैंने 1 चम्मच के करीब। और इसके बाद इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक। तो मेरे पास यहाँ पर ये मोटी वाली हरी मिर्च थी तो मैंने वही डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ी कम तीखी होती है। आप कोई भी हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार इसे डाल सकते हैं। तो दोनों सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। इसके बाद डाल देंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा था, ये भी मैंने डाल दिया है। अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे इस नाश्ते में। पर सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई है। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर ये हरा धनिया मैं डाल देती हूँ। इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, ये आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पर। मिला देंगे अच्छे से। साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, इसे भी मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो 3 कप के करीब यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। तो 2 कप और इसमें पानी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये दूसरा कप और ये यहाँ पर ये तीसरा कप मैंने पानी डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच ऐड करेंगे भुने जीरे का पाउडर। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, तो ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ले लिया है। इसके बाद इस पानी में आने देते हैं बॉयल। तो पहले ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़ा आलू ग्रेट करके रखा हुआ है, तो इस तरीके से मोटा मोटा मैंने इसे ग्रेट किया है और इसे अच्छे से मैंने धो लिया है। तो छलनी में डाल के धोया है ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से आलू हमारा तैयार है। तो इसे हम डाल देंगे इसी कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने ये सारे आलू डाल दिए, तो एक ही आलू था टोटल। अगर आप छोटे आलू यूज़ कर रहे हैं तो 3 से 4 आलू यूज़ कर सकते हैं। और इसे मिला देंगे। तो अब इसे हम पहले बॉयल आने देते हैं, फिर इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो 1 कप के करीब सूजी हमें ऐड करनी है। 1 आलू और 1 कप से सूजी से बनाएंगे ये नाश्ता। तो यहाँ पर हल्का सा बॉयल इसमें आ गया है, इसे मिला देंगे अच्छे से। और इसमें जो हमने आलू डाले हैं ग्रेट करके डाले हैं तो वो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आ गया है इसमें। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो थोड़ी थोड़ी सूजी इसमें डालनी है और मिलाते जाना है। गैस के फ्लेम को फुल रखना है इस टाइम पे। और सूजी डालते ही ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए तुरंत में ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। तो यहाँ पर पूरी मैंने सूजी डाल दी 1 कप और इसे अब अच्छे से पकाएंगे जब तक कि काफ़ी थिक नहीं हो जाता तब तक। तो अभी ये कढ़ाई में चिपक रहा है, जब ये चिपकना बंद हो जाएगा तब तक इसे अच्छे से पकाना है और इकट्ठा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। फुल फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस करेंगे। तो बस इसे लगातार चलाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसे। इस तरीके का हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा और ड्राई करना है। यहाँ पर किनारों पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है और इसे अब अच्छे से मिलाएंगे। जब ये इस तरीके का हो जाए तभी हम इसमें तेल डालेंगे, जब गीला हो तब नहीं डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी हमारा मिक्सचर अब चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसे ड्राई करेंगे ताकि जब इसे हम जमाएं तो बहुत अच्छे से जम जाए, हलवे के जैसे तैयार हो गई है। तो बस इसे इतना ही पका रहे हैं। और देखिए अब कढ़ाई में चिपक भी नहीं रहा और ये आराम से इकट्ठा भी हो रहा है। तो इस पूरे मिक्सचर को निकाल देंगे एक बड़ी सी थाली में या फिर किसी भी बोर्ड पे, चॉपिंग बोर्ड पे से निकाल सकते हैं। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और पूरे मिक्सचर को हम निकाल लेते हैं किसी दूसरे बर्तन में। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक चॉपिंग बोर्ड और इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो चारों तरफ तेल को अच्छे से फैला देना है पूरे बोर्ड पे, क्योंकि मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा है तो इसके लिए बहुत बड़ी थाली या फिर इस तरीके का कोई बोर्ड ही चाहिए। तेल मैंने अच्छे से लगा दिया है। इसके बाद ये पूरी कढ़ाई वाला मिक्सचर मैं इस बोर्ड पे डाल देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने डाल दिया है, कढ़ाई हटा देते हैं। उसके बाद
इक्वली पूरे मिक्सचर को पूरे बोर्ड पे फैला देना है इस तरीके से। बहुत मोटा नहीं रखना और ना बहुत पतला करना है इसे, जैसे बर्फी होती है बिल्कुल वही इसका हमें साइज रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बिल्कुल इक्वली सा फैला लिया है। मैं दिखाती हूँ कि क्या इसकी मैंने थिकनेस रखी है। देखिए इस तरीके की थिकनेस रखी है मैंने इसकी। और इसे अब अच्छे से ठंडा करेंगे जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो आराम से प्रेस हो जा रहा है। हार्ड होने की वजह से इसके हम पीसेस बहुत आसानी से कट कर पाएंगे। तो आप चाहे तो इसे रूम टेम्परेचर पर रख के ठंडा कर सकते हैं, पंखे की हवा में रख सकते हैं, या फिर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। और तब तक हम बनाएंगे चटनी इसके साथ। ये जो ग्रीन चटनी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ये चटनी तैयार करते हैं। और चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा हरा धनिया ले लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, 5 लहसुन की कलियाँ हैं, अदरक है और हरी मिर्च है स्वाद के अनुसार। सभी चीज़ों को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर ये मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और सबसे पहले डाल देते हैं इसमें टमाटर और हरा धनिया ले लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करेंगे ये लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च और इसके साथ यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही। तो 1/4 कप दही डालेंगे जिससे कि चटनी हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी, जैसे मार्केट में ग्रीन चटनी मिलती है बिल्कुल उसी तरीके की लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये दही डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में भी हम पानी का यूज़ करेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे नमक, तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। नमक के साथ इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और इसे कर लेंगे ग्राइंड। और यहाँ पर तैयार हो गई है हमारी ग्रीन चटनी और इसे डाल देते हैं बोल में। और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। और जो हमने ये सूजी वाला मिक्सचर रखा था ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, पहले जैसा गीला नहीं रह गया है। तो अब इसके हम करेंगे पीसेस कट। तो जैसा भी पीसेस आप रखना चाहते हैं वैसा इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। और अब इसे लंबाई में कट कर लेते हैं। मैंने इसे काफी छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसे बर्फी के जैसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं। तो ये सभी मैंने कट कर लिए हैं और इस तरीके के पीसेस हमारे ये तैयार हुए हैं। ये देखिए छोटे छोटे स्क्वायर से, छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस मैंने इसलिए कट किए हैं क्योंकि जब इसे हम फ्राई करते हैं तो ये किनारों से अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। बड़े पीसेस में ये किनारों से क्रिस्पी तो हो जाता है लेकिन बीच में ये काफ़ी सॉफ्ट सा रहता है और छोटे होने की वजह से ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और यहाँ जो हमने ये सूजी के पीसेस कट करके रखे हैं इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं। 7 दिनों तक आराम से स्टोर करके इसे रख सकते हैं और जब खाने का मन हो तो इसे फ्राई कर सकते हैं। रखने के लिए आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में, लंच बॉक्स में रख सकते हैं। और फ्रीजर में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में रखेंगे तो ये 7 दिनों तक आराम से रह जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फटाफट फ्रीजर से निकाल के आप इसे फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। और गैस पर रखी है मैंने कढ़ाई तेल डाल के ताकि इसे हम फ्राई कर पाएँ। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे ताकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप चाहें तो इन पीसेस को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, किसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल के शैलो फ्राई कर सकते हैं जिसकी वजह से इसमें ऑयल कम लगेगा और ये हेल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। एक बार में जितने कढ़ाई में आ गए मैं उतने डाल चुकी हूँ इसमें। और इसके बाद इसे हमें तभी पलटना है जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी कढ़ाई में भी चिपक नहीं रहा, तो इस टाइम पे इसे पलटना है नहीं तो ये टूट सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये नाश्ता है बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, तो बस इसे इतना ही फ्राई करना है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई में से और बाकी बचे हुए सभी को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और अगर आप सारे एक साथ फ्राई नहीं करना चाहते तो एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप उसे फ्रीजर में रख दें, जब भी मन हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं फटाफट से। और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है, साथ में जो हमारा नाश्ता है वो भी तैयार है। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं।
तो इस तरीके से आप ये नाश्ता बनाएं। और सूजी और आलू का ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है, आप आवाज़ सुन सकते हैं ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। चटनी के साथ इसे इंजॉय करें, केचप के साथ भी इसे ट्राई कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसे बना सकते हैं, कभी भी बनाइए।